Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. निवर्त में मशरक दुआखाना से हकीम चौधरी अब्बास अली आपसे मुखातब हूँ। जिस मर्द का या अमराज का मैं बयान करने लगा हूँ, ये बहुत लंबे चौड़े लेक्चर होते हैं, जरियान है, इहतलाम है, सूरत अंदाज़ है। इसी के साथ ही निकोरिया का इलाज है, इसी नुस्खा में ही निकोरिया का इलाज है, जो कि बेशक पुराने से पुराना मस्तूरात दवाइयाँ गोलियाँ कैप्सूल सिरप पी पी कर बुरा हाल हो गया हमारे पास आते हैं। छोटा सा नुस्खा है, दो चीज़ का भी है, एक चीज़ का भी है, लेकिन कम्बिनेशन में बताता हूँ। दो चीज़, समरे बबोल नहीं, फली बबोल, ठीक है, इंग्लिश में ओकेशिया कहते हैं, कीकर को बबोल भी कहते हैं। मार्च अप्रैल में गर्म इलाकों में, तो मार्च में भी, तो सर्द इलाकों में जो कीकर है उनमें अप्रैल के बाद भी ये फलियाँ लगती हैं। कच्ची कच्ची फलियों जिनमें के अभी बीज बिल्कुल ही कच्चे हों, तोड़कर देखें तो उनको उनमें से जो फली है, फली को तोड़ेंगे उनमें से जो दाना निकलेगा, तीन चार दाने होते हैं हर फली में, जब हाथ से प्रेस करेंगे तो फिस जाएगा। वो फलियां लेनी है आपने, किलो ले लें, दो किलो ले लें, उनको काटें, छोटे छोटे पीस कर दें, साए में खुश्क करें, उन फलियों खुश्क हो जाएंगी, गर्मी का मौसम होता है। फिर दूसरी चीज, इमली के बीज लेने हैं। आजकल वो पुराने वक्त की बात खत्म हो गई, जब रेत में लोग दाने बुनते थे, आजकल नमक में, पीसे हुए नमक में दाने बुनते हैं। ऐसे किसी भट्टी वाले के पास चले जाएं या दाने बुनने वाले के पास चले जाएं, इमली के बीज पाव लेने, आधा किलो लेने, पास खड़े होकर उसको कहने की इसको भून दें, और जब भुनेगा तो काले स्याह हो जाएंगे, ज्यादा काले ना हो, ठीक है, यानी कलेजी रंग से जरा गहरे हो जाए, निकाल लें, किसी ग्राइंडर वाले से पसवा लें, बहुत ही बारी करना है, हार्ड होता है, लेकिन जब ये भुनी जाएगी तो फिर इसकी सख्ती खत्म हो जाएगी। कपड़े में से छान लें, निकाल लें। फलियों को भी इसी तरह आपने ग्राइंड करना है अलग अलग, अगर वो 250 ग्राम है, 250 ग्राम ही इमली के बीज हो गए, वो पाउडर भी, ये पाउडर भी, ये आधा किलो हो गया। अब इसमें 250 ग्राम वो, 250 ग्राम ये, और 250 ग्राम मिश्री लेनी है, मिश्री लेनी है, चीनी नहीं लेनी, शक्कर नहीं लेनी, तीनों चीजें। अब ये मरकब हो गया, कम्बिनेशन हो गई, अब ये बहुत ही आला तरीन दवाई है जरियान के लिए, सराम के लिए, सूरत अंजाल के लिए, और लीकोरिया के लिए, वजूद को, हड्डियों को ताकत होगी, एक्स्ट्रा गर्मी, एक्स्ट्रा हीट, मैदे की, अंतड़ियों की, मसाने की आउट होती जाएगी। पानी से खानी है, छोटी चम्मच भर कर सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम ले लें, एज यू लाइक, जैसा कि आप बर्दाश्त कर सकेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना पेट दर्द होगी, ना सिर दर्द होगी, बल्कि गर्मी से जो सर दर्द होता है, वो सर दर्द आपका ख़त्म होता जाएगा, हड्डियों को ताकत होगी। ये बहुत मजबूत चीज़ है दोनों, कीकर कितना बड़ा होता है, इमली के बीज कितने हार्ड हैं, सख्त हैं, अल्लाह करीम रहम करेगा, शिफा होगी, आजमा कर देखें इंशाल्लाह, शर्तिया नहीं, लेकिन शर्तिया के तौर पर इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। सब्सक्राइब करते रहें मेरा चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।